18 ग्राफ ऑफ एफ, मतलब एफ का ग्राफ जो है रीड करना ना चाहिए। एफ दे रखा है अपने को माइनस वन, माइनस टू से जीरो, बच्चों एक्स माइनस वन, देख रहा है लाइन की इक्वेशन, 1,0 से पास कर रही है, 2,1 से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 0 से लेकर के 2। ठीक है, ये बच्चों पहले मॉड एफ बनाना होगा। तो मॉड एफ के लिए क्या करो, जो पार्ट बिलो आ रहा है उसको ऊपर कर दो। अब जैसे ये पार्ट बिलो आ रहा है तो इसको ऊपर कर दो, रिफ्लेक्शन ले लो। ठीक है, ऐसा आएगा ये मॉड एफ। तो जो एफ ऑफ मॉड एक्स के लिए क्या करना होगा, जो पार्ट आपका वाई एक्सिस के राइट साइड है वो बना दो, पीछे आप रिफ्लेक्शन ले लो, ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट, ये भी बच्चों इवन फंक्शन है, पर इसमें ये सोचना है कि अगर एक्स मान लो मेरा नेगेटिव हो गया तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, विच इज अगेन एफ एक्स। तो एक्स नेगेटिव के लिए ये फंक्शन के बराबर है, यानी कि इसका ग्राफ फंक्शन के बराबर ही होगा लेकिन एक्स नेगेटिव के लिए होगा। अब इसका रिफ्लेक्शन ले लो, कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो इसमें आप दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मॉड एफ का ग्राफ क्या था, ये था। और जो एक्स माइनस वन का नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, यहां पर वही रहेगा एक्स माइनस वन, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कौन क्या था, मॉड दिस माइनस दिस, बच्चों दिस माइनस दिस करना है, और अपॉन टू भी है, अपॉन टू भी है। बच्चों 1 माइनस माइनस 1 अपॉन टू कितना आ जाएगा, 1 दिख गया क्या बच्चों, 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, बच्चों दिस माइनस दिस अपॉन टू, एक्स माइनस वन दिख गया, ये आपका 0 से 1 होगा एक्चुअली, ये 1 है बच्चों, 1 एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, 1 से 2, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1 से लेकर के 2। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर है। तो आपको अलग अलग ब्रेक करना था बेसिकली ना, अलग अलग ब्रेक करना था।